फाइनली एनसीबी की रेड पर अब फिरोज नाडियादवाला का रिएक्शन आया है। आपको बता दें कि एनसीबी की टीम ने कल जुहू में फिरोज नाडियादवाला, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, वेलकम और हेरा फेरी जैसी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, उनके घर पर कल एनसीबी ने दो विटनेसेस की मौजूदगी में रेड करी। वहां से एनसीबी को ड्रग्स मिला जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपए थी। एनसीबी ने वहीं पर मौजूद फिरोज नाडियादवाला की वाइफ शबाना सईद का भी स्टेटमेंट लिया, जिसके बाद शबाना सईद को अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा प्रोड्यूसर फिरोज नाडियादवाला को भी समन किया गया है और अब फिरोज नाडियादवाला का इस पूरी घटना पर रिएक्शन आया है। फिरोज नाडियादवाला ने कहा है कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी, आप सभी मेरे लिए प्रे करिए। हालांकि फिरोज नाडियादवाला ने उनके घर से जो ड्रग्स मिला, जितने रुपए का ड्रग्स मिला, घर पे जो रेड हुई और बीवी को जो अरेस्ट किया एनसीबी ने, और जो इल्जाम है उनके ऊपर कि वो रेगुलर बेसिस पर पेडलर से कांटेक्ट में थे, इस पर उनका कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी तनुश्री दत्ता ने फिरोज नाडियादवाला को लेकर काफी क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लग चुका नाना पाटेकर जो है उनको अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज में कास्ट किया, जिसके तहत तनुश्री दत्ता की तरफ से फिरोज नाडियादवाला को काफी क्रिटिसाइज किया गया था और अब उनके घर से ड्रग्स मिलना। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नो डाउट एनसीबी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। नाडियादवाला फैमिली सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही है, ऐसे में फिरोज नाडियादवाला का नाम आना और उनके घर से गिरफ्तारी हो जाना, यह अपने आप में बताता है कि एनसीबी कितनी पावरफुल है। और फिर अब भले ही आपके पास कितनी ही दौलत शौहरत क्यों नहीं हो, अगर आपने जुर्म किया है तो फिर आप अरेस्ट हो। क्लियर कट काम करती है एनसीबी। हालांकि मामला आगे जाकर कोर्ट में डिस्कस होता है और कोर्ट से इन्हें बेल भी मिल सकती है, लेकिन एक बार पूरे मामले को अंडर कंट्रोल लेने के लिए एनसीबी ने ये गिरफ्तारी कर ली है।